press the bell icon and never miss any update from What's Up Bollywood. Hello everyone, welcome to What's Up Bollywood. मकर संक्रांति के मौके पर कंगना रनौत ने अपनी मणिकर्णिका फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म को अनाउंस किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बाद कंगना इस बार कश्मीर की एक रानी पर फिल्म मणिकर्णिका रिटर्न्स द लेजेंड ऑफ दिद्दा की कहानी लेकर आ रही हैं। इस फिल्म में एक बार फिर बड़े पर्दे पर कंगना एक वॉरियर के किरदार में नजर आएंगी, लेकिन इस फिल्म के अनाउंसमेंट के साथ ही ये कॉन्ट्रोवर्सी में फंस गई है। आइए आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। दिद्दा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर के राइटर आशीष कौल को तब हैरानी हुई जब उन्हें पता चला कि उन्हीं की कहानी पर कंगना रनौत ने फिल्म बनाने की घोषणा कर दी है। जी हाँ, NowBharatTimes.com से हुई एक्सक्लूसिव बातचीत में राइटर आशीष कौल ने बताया कि उन्होंने कंगना को इस किताब का हिंदी फॉरवर्ड लिखने के लिए अप्रोच किया था। आशीष ने बताया, कंगना ने मेरी कहानी चुरा ली है, अब इसे मैं क्या कहूँ। कंगना की समाज में ऐसी छवि है जो सच्चाई के साथ रहती है, सच का साथ देती है, लेकिन यहाँ तो कंगना ने मेरी कहानी ही चुरा ली है। इस कहानी के मामले में कंगना का ये अंदाज मुझे समझ नहीं आया, मैं इसे एक इंटेलेक्चुअल चोरी कहूँगा। आशीष कौल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, कंगना ने हमें अपनी कहानी दिद्दा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर के हिंदी वर्जन का फॉरवर्ड लिखने के लिए भेजा था, लेकिन उनकी तरफ से कभी कोई जवाब नहीं आया। आज अचानक उन्होंने मेरी कहानी पर अपनी नई फिल्म मणिकर्णिका रिटर्न्स द लेजेंड ऑफ दिद्दा की घोषणा कर दी। कंगना के पास हमारे मेल हैं। हमने ट्विटर पर कई बार इस किताब के बारे में कंगना को टैग करते हुए ट्वीट भी किया है। आशीष को कंगना से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो उनकी कहानी चुरा लेंगी। उन्होंने कहा, अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाली कंगना क्या मेरे जैसे राइटर के अधिकारों का खुलेआम हनन नहीं कर रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आपसे क्या कहूँ। कंगना से इस तरह की चोरी की उम्मीद नहीं थी, इस तरह तो कंगना मेरा शोषण कर रही है। आप अगर कंगना को फॉलो करते हैं तो ये जानते होंगे कि वो पिछले कई सालों से खुद के साथ हुए शोषण, गलत व्यवहार और अपने अधिकारों के लिए लड़ती हैं। देखिए ना, आज वो मेरे साथ खुद इतना गलत कर रही हैं। मैं ये जानता हूँ, बॉलीवुड में तमाम राइटर्स के अधिकारों का खूब हनन होता है, ये बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स के लिए बहुत आम बात है। वेल, अब इस आरोप पर कंगना क्या जवाब देंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कंगना की इस नई फिल्म से जुड़ी इस कॉन्ट्रोवर्सी पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड।